18 फरवरी को देवघर बाबा बैजनाथ की धरती पर से बारात निकाला जाएगा। 2 साल कोरोना के चलते यह बारात नहीं निकाली गई थी। इस बार शिवरात्रि महोत्सव के कार्यकर्ता जोर शोर से बाराती को सजाने और सवारने में लगे हुए हैं। पूरे देश शहर को दुल्हन की तरह लाइट से सजाया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन यहाँ का माहौल ही अनोखा होता है। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इस बारात में शामिल होते हैं। ढोल नगाड़ा हाथी घोड़े ऊंट के साथ बारात को देवघर के KKN स्टेडियम से निकालकर टावल बाजार होते हुए बारात मंदिर जाता है। इस बार ज्यादा भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है और देवघर वासी काफी उत्साह के साथ इस बारात में शामिल होते हैं। माध्यम से आपके दर्शकों को सादर आमंत्रण देना चाहता हूँ कि आज इस बार शिव बारात में आइए। 18 फरवरी को संध्या 6:30 बजे KKN स्टेडियम से बारात निकलेगी और इस बार कोरोना काल में 2 साल तक जो है बाबा के भक्त बाबा की बारात नहीं देख पाए, तो हम सभी शिवरात्रि महोत्सव सदस्यों समिति के सदस्यों और सभी नगरवासियों के सहयोग से ये हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस बार जो 2 साल की कसर रही है वो 2 साल की कसर पूरी की जाए, चाहे वो विद्युत सज्जा हो, चाहे वो गाजे बाजे हो, चाहे झांकियों के माध्यम से। और इस बार जो है क्योंकि हम भारतवासी हैं और हमें भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है और फिर से एक कालखंड के बाद भारत विश्व गुरु बनने की राह पे अग्रसर हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और इस बार जिस प्रकार से G20 समिट का हम लोग भारत अगुवाई कर रहा है, तो इस बार के मुख्य आकर्षण में G20 समिट की झलक आपको देखने को मिलेगी और झांकियों के माध्यम से मानव दैत्य बनाया जा रहा है। उसका एक ये सोच है उसके अंदर कि इंसान अगर गलत रास्ते पर जाता है तो वो अपने लिए और पूरी अपनी समुदाय के लिए पूरी पृथ्वी के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है। उस कॉन्सेप्ट पे जो है मानव दैत्य का निर्माण किया जा रहा है। एक पंचली सूर है, कोई आध्यात्मिक उनका कुछ है।